नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट में। दोस्तों फिर आ गए हैं आपके पास वही धमाकेदार अधांसु खबरें देने और एक सीक्रेट खबरें आपको देने हैं, जो आपको सबसे टॉप न्यूज़ आपको पता चलेगी कि कल मार्केट में कौन से शेयर में उथल पुथल होने वाले हैं, उनके क्या इनसाइडर न्यूज़ है। पक्की खबर और अच्छी खबर, इससे देख आप अपना इंट्राडे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को पहले से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ हैं, ये खबरें हैं, पक्की खबरें हैं, ये आपको कहीं यूट्यूब चैनल में और किसी भी वेबसाइट में नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और रोज़ इसी तरह बढ़िया फर्स्ट क्लास एक दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी खबरें में दम है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम। सबसे पहला देखिए, पहला खबर यह है थॉमस कुक, इस शेयर को ऊपर रखिएगा। ये इन्होंने कहा कि जो फेब्रिज कैपिटल हैज़ कम्प्लीटेड हैज़ ऑफर्स ऑफ 40 मिलियन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी वैल्यू 5.5, तो ये लगभग 50 करोड़ रुपीज़ के इसका जो ओएफएस है ये वैल्यूड का कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, एक बढ़िया खबर ये है, बढ़िया रखिएगा। एस ओ एम डिस्टडीज, आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए इसको, बार बार रिमाइंड देखिए। एस ओ एम डिस्टडीज ये कहा कि हैव रिसीव्ड ऑफिशियल अप्रूवल फ्रॉम कर्नाटक एक्साइज डिपार्टमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ प्रीमियम बियर ब्रांड टू स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो कर्नाटक एक्साइज डिपार्टमेंट से ये तमिलनाडु में सप्लाई करने के लिए इनको बढ़िया मिला है, ये एक अच्छी खबर हो सकता है। दोस्तों यही सब खबरों से क्या है ना, जब धीरे धीरे अच्छी खबर मिलती जाएगी ना, तो ये सब आप शुरू में इन्वेस्ट करिए और ये लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं और आपको बढ़िया आपको मल्टीबैगर बन सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिएगा कल्पतरु प्रोजेक्ट, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल, ये 2263 करोड़ का एक इनको बाहर का मार्केट का ऑर्डर्स मिला है, है ना, ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो और ये आपका इसको इस पोजीशन को ध्यान रखिएगा। जो श्रीराम ईपीसी, जिसको हम एससीपीसी बोलते हैं दोस्तों, उनको 428 करोड़ का झारखंड गवर्नमेंट से बड़ा ऑर्डर मिला है ना, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट के लिए, इसको पूरा ध्यान रखिएगा। इसके आगे जय कुमार इंफ्रा बस, ये जय कुमार इंफ्रा को ये 379 करोड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है फ्लाईओवर बनाने का, इसके ऊपर भी जोरदार खबर है, इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, डीएलएस इंटरनेशनल सर्विस, इन्होंने लिखा है कि कंपनी विंस ऑर्डर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ आयुष्मान कार्ड्स ऑन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आईटी प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है, डीएलएस इंटरनेशनल जो है इसको आयुष्मान कार्ड का नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आईटी प्लेटफॉर्म का उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इससे आगे चलते हैं तो अभी एक चीज़ देखिएगा, जो ग्लेनमार्क फार्मा है, सन फार्मा है, रिकॉल्स ड्रग्स इन यूएस ओवर लेबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये निगेटिव खबर है इसके लिए दोस्तों, है ना, और इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। USFDA ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स रिकॉल्ड 37,200 बॉटल्स, है ना, तो ये आप मान के चलिए कि हम सन फार्मा रिकॉल 2016 बॉटल्स फॉर बुप्रोपियन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एक रिकॉल है, ये दोनों के लिए निगेटिव खबर है दोस्तों। इसके अलावा बी सी एल इंडस्ट्रीज कंपनी गॉट टोटल 5.61 बिलियन रुपीज़ वर्थ एथनॉल सप्लाई ऑर्डर फ्रॉम OMSES, तो ये BCL इंडस्ट्रीज के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अंत में अभी तक देखते हैं, ग्रैनुल्स कंपनी रिसीव्ड ANDA अप्रूवल फॉर स्लाइडनेफिल फॉर ओरल सप्लीमेंट, है ना, ये ANDA अप्रूवल भी मेडिकल क्षेत्र का ही, फार्मा सेक्टर की है ना, और आईटी हैज इट हैज़ सेल्स फॉर $43 मिलियन। कंपनी रिसीव्ड ANDA अंडर अप्रूवल फॉर द सिल्डेनेफिल फॉर ओरल सस्पेंशन, तो ये ग्रैनुल्स के ऊपर भी बहुत बड़ी खबर है। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको अच्छी लगेगी। फिर रात को हम और आपको कुछ ब्रेकिंग अच्छी अपडेट आपको देंगे, तब तक जुड़े रहिए, सब्सक्राइब।